पानी पैर में थोड़ा पानी। जी स्टैंड दो। जी ऑलरेडी साइलेंट पे है मैं जो है वो। ठीक है चलें जी, सबको साथ साथ जो वो डॉक्यूमेंट टेक करते जाएं सजेशन, ताकि जो है और वॉइस और मेक श्योर प्रेजेंटेशन भी मैं अभी थोड़ी देर में शो करने वाला हूँ। असल में लैपटॉप की थोड़ी सी सेटिंग हो रही है, तो ठीक है वॉइस क्लियर, थैंक यू। सो लेट ऑल द व्यूअर्स कम। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सेशन है और सीरीज 3 है। सीरीज 3 का ये आज जो है हम सेकंड चैप्टर करेंगे। इसके बाद चैप्टर 3 और 4, 5 और 6 में ऑलरेडी जो है वो उनके ऊपर सेशन हो चुके हैं और उनके ऊपर प्रेजेंट भी हैं। और किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि आप सेशन जो है अपलोड करते हैं, तो बिल्कुल सेशन जो है अपलोड हो जाते हैं, लेकिन एक दो दिन उसमें थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह के बाद जो है वो हम उसको अपलोड कर देते हैं। और दूसरा ये है कि जब आप चैनल पे जाएंगे ना, तो आपको वीडियोस में एक लाइव का ऑप्शन भी आता है कि लाइव इसमें कितनी स्ट्रीमिंग है, तो उस पे ये चैनल वीडियोस जो है वो बिल्कुल अवेलेबल होती है। लेकिन हम एक दो दिन में जैसे चैप्टर 1 और 2 में, 1 2 तो आज है, 1 और रिमेनिंग जो जो भी सेशंस हुए हैं वो जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, तो लेट द रिमेनिंग व्यूअर्स कम। और इसके बाद सेशन 3 होगा, चैप्टर 3 होगा। चैप्टर 3 भी प्रोबेबली इसी वीक में हो, और चैप्टर 4 करके ईद से पहले चैप्टर 4 हो जाएगा। 5 6 ऑलरेडी है, इसके बाद जो 7 8 है वो ईद के बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे। और कोशिश करेंगे कि बायोमैकेनिक्स की जो सीरीज़ है वो मई के अंदर जो है कम्प्लीट हो जाए, ताकि हम डिफरेंट की तरफ जो है वो अप्रोच करें। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो ये भी पूछते हैं कि थेरापेटिक और कैल्टन बॉन्ड को जो है वो कब स्टार्ट करेंगे। तो कैल्टन बॉन्ड के भी एक चैप्टर हो चुका है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारी, क्योंकि एक सीरीज़ में चल रहे हैं, तो एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर जो है वो हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो बायोमैकेनिक्स कोशिश करके मई के अंदर ही, मई में ही जो है वो कंप्लीट करेंगे, अगर नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में। उसके बाद फिर हम किसी और बुक को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर जो है वो इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल उनके मैंने कुछ देखे हैं, काफ़ी उसमें प्रॉब्लम्स हैं जो कि फिज़िक्स से रेलिवेंट है, वो तो हम नहीं करेंगे। लेकिन जो जो टॉपिक्स हैं जो मैं इसमें समझने वाली बात थी, तो ये ग्रुप में भी डिस्कस हो रहा था और काफ़ी स्टूडेंट से डिस्कस करके ये हमने डिसाइड किया था कि जो बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है ना, उनको एक हम सिर्फ नज़र घुमाएंगे। और क्योंकि
किसी स्टूडेंट्स की मतलब कुछ स्टूडेंट्स अगर कह दें कि इस टॉपिक को स्किप करें, तो मैं यही कहूँगा कि उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत उसको स्टडी जो है वो करना लाजिम होता है, क्योंकि बाकी भी जो है मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं और बाकी भी जो क्वाइट पॉसिबल फर्स्ट ईयर वाले भी हैं मेरे पास सब्सक्राइबर हैं, तो अगर वो सेशन देख रहे हो तो प्रॉबेबली उनके साथ साथ भी हमने चलना होता है, तो हमने बिल्कुल सबको एक साथ देखना होता है। बहरहाल तो आप काइंडली जो है उनको टैग करते ताकि जो है वो सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जितने भी आते हैं, फिर हम जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, चैप्टर 2 है हमारा और मैं इसकी सेटिंग कर लूँ, तो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 से हम जो है वो इसका आगाज़ करेंगे। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 2 का नाम जो है काइनेमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन मोशन है, और इसमें जो मैंने बताया जिस तरह की ज़्यादातर जो है रेलिवेंट चीज़ें हैं विथ रेस्पेक्ट टू द फिज़िक्स एक्चुअली, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ मेजरमेंट्स वगैरह हैं और उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लान हैं, एक्सिस हैं, टाइप्स ऑफ मोशंस हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है, डायरेक्शनल टर्म्स हैं, लेकिन नो डाउट हमने उनको थोड़ा सा एक नज़र घुमानी है, अगर क्वाइट पॉसिबल उससे जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, और अगर ऑलरेडी क्लियर है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलें जी, तो प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं, टाइम की दो तीन मिनट थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। और असनात मोहसन है लाहौर से, असनात सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को जो है वो काइंडली, आप सीनियर हैं तो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स अगर आपके लिस्ट में हैं तो उनको जो है वो टैग कर दें, और थर्ड ईयर वालों के लिए थेरेपेटिक की सीरीज़ जो है हम सून स्टार्ट करेंगे, थेरेपेटिक एक्सरसाइज की, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एक सीरीज़ को पहले वाइंड अप करें फिर ही दूसरी सीरीज़ में जो है हम स्टार्ट दूसरी सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। और सेकंडली जहाँ पे ये भी आपको लगे कि टॉपिक जो है वो रिवाइज़ करना है या टॉपिक जो है बिल्कुल आसान है स्किप कर दें, तो आप बस उसको थोड़ा सा इंट्रो देके हम आगे की बढ़ जाएंगे और उसको बस थोड़ी सी नज़र उसमें घुमाएंगे, ठीक है। चले जी, टाइम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर हमने, और हाँ लास्टली कल जो है वो मेरा वर्कशॉप भी है और होपफुली आप लोगों को उसकी जो है वो जो उसका पोस्टर वगैरह है या जो उसकी पोस्ट है वो मैं आज भी अगेन भी दे दूंगा, लेकिन आप लोगों को ग्रुप में भी मिल गई है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर ये वर्कशॉप जो है वो मतलब हाई लेवल का तो नहीं है, कह लें कि हाई लेवल का भी है, लेकिन असल में जिस तरह बाकी काफ़ी चीज़ें हम बायोमेकेनिक्स की हैं, काइनेसोलॉजी की प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, नो डाउट हमने आप लोगों ने जो अप्लाई करना है वो फाइनल ईयर के बाद ही जब प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का होना लाजम है। तो अगर आप लोग अटेंड भी करते हो तो दैट्स गुड कि आप जो है वो कर सकते हो, और आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग अभी अभी जो भी आप पढ़ रहे हो ना बायोमेकेनिक्स काइनेसोलॉजी, सारा थ्योरेटिकल बेस पढ़ रहे हो ना, प्रैक्टिकल जितनी भी चीज़ें आप पेशेंट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन फॉर योर नॉलेज, तो अगर फॉर योर नॉलेज आप लोगों ने अटेंड करना है तो जो है वो आप सेशन जो है वो ले सकते हो। और सेकेंडली एक अनाउंसमेंट थी डॉक्टर निदा ने जो रिमाइंड कराया, अनाउंसमेंट फॉर द एनेटमी सीरीज, एनेटमी सीरीज़ भी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ट्यूटर जो है वो डॉक्टर निदा हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं सीएमटी की, और दूसरा ये है कि डॉक्टर निदा का ऑलरेडी जो है वो क्लिनिकल बैकग्राउंड के साथ साथ एकेडमिक एक्सपीरियंस भी है, और वो एनेटमी जो है वो सखर में ऑलरेडी जो पढ़ा भी चुकी हैं, एनेटमी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक, इनफैक्ट न्यूरो एनेटमी भी वो पढ़ा चुकी हैं बहरहाल सेकंड ईयर तक, उनकी सीरीज़ भी आ रही है जिसमें हम एनेटमी ऑन डिमांड, लेकिन वो भी हम सीरीज़ के साथ ही स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक को कर लिया तो चैप्टर, तो वो सीरीज़ भी जो है वो आ रही है कि हम एनेटमी की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट ऑन डिमांड जो है वो हम उसको स्टार्ट करेंगे। और एनेटमी सीरीज़ जितनी भी, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चार सेमेस्टर पढ़ाई जाती है तो हम किन टॉपिक्स या किन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो हम वो भी ऑन डिमांड ही स्टूडेंट्स के ऊपर करेंगे, ठीक है। चलें जी, तो मूव ऑन करते हैं और अपने प्रेजेंटेशन की तरफ, मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लूँ फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, ठीक है, जहाँ पर आपको क्लियर कर जी क्लियर है, कमेंट ये इसके ऊपर कमेंट कर दें कि मेक श्योर आप लोगों को जो है वो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है, वर्डिंग इज़ ऑलमोस्ट क्लियर, प्रेजेंटेशन क्लियर है, ये बायोमेकेनिक्स चैप्टर 2 है, थैंक यू डॉक्टर, चैप्टर 2 है बायोमेकेनिक्स, सूजन जे हॉल बुक है,
एंड वॉट एवर द एडिशन, अगेन हर चैप्टर की तरह स्टार्टिंग पेज पे जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने उनके आंसर्स जो है बुक से ही निकालने होते हैं। तो होपफुली जब ये टॉपिक्स क्लियर होंगे तो यू विल बी एलिजिबल। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू प्रोवाइड द एग्जाम्पल्स ऑफ द लीनियर एंगुलर एंड जनरल मोशन, मतलब इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद आप लोग इनके आंसर कर सकते हो। आफ्टर दैट आइडेंटिफाइंग द, बस ये क्वेश्चन जो है हम सेशन कंप्लीट करने के बाद हम फिर इस लाइन पे आएंगे, फिर जितने आपके क्वेश्चंस होंगे हम उनको भी जो है वो क्लियर करेंगे, और दूसरा ये है कि उनको भी हम क्लियर करेंगे, दूसरा ये है कि हम वापसी इस पेज पे जो है वापस आ जाएंगे ताकि इनको हम ठीकली जो है ठीक से जो है आंसर कर सकें। चले जी मूव ऑन करते हैं सेकेंड चैप्टर और बायोमैकेनिक्स की तरफ स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बायोमैकेनिक्स के जो सुजैन जे हॉल बुक को जो वो पढ़ना है, तो जो साइट की जो प्रेजेंटेशन डेफिनेशंस होती हैं दे आर वेरी प्रिसाइज, वो बिल्कुल शॉर्ट और टू द पॉइंट जो है वो लिखी होती हैं। जो जितनी भी समरी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ उनके ऊपर आपको जो वो भी पढ़ें, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन साइट वाली जो भी डेफिनेशन है वो आपने ठीक से देखनी है, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ द मोशन, सबसे पहले व्हाट इज़ द मोशन, मोशन वी नो दैट दिस इज़ द मूवमेंट, जो भी किसी जॉइंट पे मूवमेंट हो चाहे वो ऑस्टियोकाइनेमेटिक हो चाहे वो ऑर्थोकाइनेमेटिक हो, ऑर्थोकाइनेमेटिक जॉइंट सर्फेस पे लाइक ग्लाइडिंग स्लाइडिंग, ऑस्टियोकाइनेमेटिक बोन लेवल पे लाइक फ्लेक्शन एक्सटेंशन। जितने भी ग्रॉस मूवमेंट्स हैं दे आर द ऑस्टियोकाइनेमेटिक, जितने भी कह लें कि माइनर मूवमेंट्स हैं एक्सेसरी मूवमेंट्स हैं जॉइंट प्ले हैं दे आर द आर्थ्रोकाइनेमेटिक, जो कि जॉइंट सर्फेस पे होती हैं, एंड दे आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू कम्प्लीट द ऑस्टियोकाइनेमेटिक फुल रेंज। ऑस्टियोकाइनेमेटिक की फुल रेंज करने के लिए ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक की मूवमेंट्स का होना लाजिम है। तो वॉट इज़ द जन, पहले ये मोशन थी मूवमेंट था, और वॉट इज़ द जनरल मोशन, जनरल मोशन की डेफिनेशन है इन्वॉल्विंग द ट्रांसलेशन एंड द रोटेशन साइमल्टेनसली। जनरल मोशन बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है जिसमें ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन मतलब लीनियर, रोटेशन मतलब जितनी भी एंगुलर मूवमेंट्स है ना, ठीक है। तो मोस्ट द ह्यूमन मूवमेंट्स जो जितने भी ह्यूमन में मूवमेंट्स होती है वो जनरल होती है। मैंने एक चीज़ बताता चलूँ कि हम प्लान पढ़ते हैं, एक्सेस पढ़ते हैं, कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता ना, ये एक फिक्शियस भी है और दूसरा ये है कि कोई परफेक्ट नहीं। मिसाल के तौर पे कोई ये कह दे कि एक जॉइंट पे प्योरली ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे ऑर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है ना। तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन मूवमेंट्स क्या है, मिक्सअप है। तो मोस्ट, तभी ये लाइन लिखी है, द मोस्ट ह्यूमन मूवमेंट्स कौन सी है, जनरल मूवमेंट है, जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, लिनियर एंड एंगुलर का। लिनियर मतलब स्ट्रेट, जब मिसाल के तौर पर गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होती है ना तो वो लीनियर मोशन कहलाती है, लेकिन अगर वो कर्वी लीनियर में आ जाए तो एंगुलर। हम उनको आगे आगे डिस्कस करते हैं कि बोन में, ह्यूमन बॉडी में, हम बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इधर ह्यूमन बॉडी का मिसाल देंगे रादर देन व्हीकल्स। सो द लीनियर एंड द एंगुलर मोशन दे आर प्योर फॉर्म ऑफ द मोशन। लीनियर एंगुलर अगर किसी मूवमेंट पे हो तो वो प्योर हैं, लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको हम जनरल कहते हैं, तो जो हालांकि मोस्ट ऑफ द मूवमेंट कौन सी है, जनरल है। लीनियर प्योर लीनियर नहीं होती, एंगुलर कोई भी किसी जॉइंट पे प्योरली एंगुलर नहीं होती, ना ही किसी जॉइंट पे प्योरली लीनियर, इन दोनों का मिक्सअप होता है जिसको जनरल मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। और तो हम साथ साथ बुक्स की भी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ समटाइम यूजफुल टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स मूवमेंट डाउन इनटू द लीनियर एंड द एंगुलर व्हेन परफॉर्मिंग एन एनालिसिस। अब देखें ना, अगर हमने किसी मूवमेंट, कोई लीनियर मूवमेंट हो रही है मिसाल के तौर पर, हमें पता है कि बॉडी में प्योरली लीनियर नहीं होती तो प्योरली एंगुलर नहीं होती, लेकिन हमने उनको एनालिसिस तो करना है, तो एनालिसिस करने के लिए हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं। एंगुलर मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लीनियर एंड द एंगुलर, नो डाउट, लेकिन एनालिसिस हमने लीनियर का अलग करना है, एंगुलर का अलग करना है, तो हमने इसको ब्रेक डाउन करना बिल्कुल लाजम होता है। तो अगेन लीनियर मोशन की अगर डेफिनेशन देखें तो एक लीनियर लाइन से वर्ड निकला है ना, लीनियर में आप देखें लाइन पहले आता है, तो लाइन में जो मूवमेंट होती है बिल्कुल स्ट्रेट, चाहे वो फिक्स कांस्टेंट के साथ जा रहा हो, अगर वो स्ट्रेट है तो लीनियर, अगर वो बिल्कुल मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी भी रेस वगैरह आप देखते हैं उसमें स्पीड गाड़ी की कम नहीं होती लेकिन फिर भी वो कर्व में, तो वो कर्वी लीनियर में आएगा। अगर वो स्ट्रेट जा रहा है ट्रांसलेटरी तो उसे ट्रांसलेशन कहेंगे, अगर वो कर्व में जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड कम नहीं हो रही वो स्टिल लीनियर है, तो वो कर्वी लीनियर कहलाएगा। हम उसको देखते हैं पहले लीनियर की डेफिनेशन। इट्स अलॉन्ग अ लाइन दैट मे बी द स्ट्रेट आर द कर्व्ड, अगर स्ट्रेट है तो ट्रांसलेशन, अगर कर्व्ड है तो कर्वी लीनियर, ठीक है, इसीलिए स्ट्रेट को ट्रांसलेटरी भी कहा जाता है। विथ ऑल द पार्ट्स ऑफ द मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड, अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, एक स्पीड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ अगर वो मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, अगर वो पाथ स्ट्रेट है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। अगर वही पाथ कर्व चेंज हो रहा है, कर्व्ड हो रहा है लेकिन स्पीड गाड़ी की चेंज नहीं हो रही, तो वो कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर, कर्व भी है यहाँ पे लीनियर भी है, ठीक है। लीनियर इस सेंस में है कि लीनियर वो बिल्कुल स्ट्रेट तो है, कर्व तो अपनी जगह पे, लेकिन
उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रही, वो स्पीड कम नहीं कर रहा कर्व लेने के लिए, इसीलिए वो जो है वो कर्वी लीनियर कहलाती है। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट है विदाउट कर्व तो वो ट्रांसलेटरी। अब हम अगेन इसका जो वो बॉडी में एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो ये लीनियर की डेफिनेशन है, मोशन ऑफ द सिस्टम अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट है तो ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशन कहलाएगी, और जब बॉडी एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन इज मूव एज अ यूनिट। अब डेफिनेटली उसकी थारोली स्पीड सेम है, तो जब वो बॉडी मूव करेगी तो वो एज अ यूनिट मूव करेगी, एक होके मूव करेगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि फॉर एग्जांपल अ स्लीपिंग पैसेंजर ऑन अ स्मूथ एयरप्लेन फ्लाइट इज बीइंग ट्रांसलेटेड थ्रू द एयर। अब वो उनकी अगर मूवमेंट चेक करो तो वो जहाज की उसकी तो कोई नहीं है, वो उसकी तो ग्रेविटी एलिमिनेट हो गई ना। अब जो जिस लीनियर मूवमेंट के साथ जो प्लेन है वो जा रहा है, उसी वही उसकी बेसिकली मूवमेंट है बंदे की। तो अगर वो उसका जो स्लीपिंग पोस्चर होगा तो वो बिल्कुल ट्रांसलेटर होगा, अगर जो है वो बिल्कुल क्या कह लें कि कर्व नहीं हो रहा स्ट्रेट। तो लीनियर की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आप किसी चीज़ को मूव कराओ तो वो ठीक है। हम बॉडी में भी इसके एग्जांपल्स थारोली देंगे। अगेन मैं बता दूँ, प्योर ट्रांसलेशन प्योर एंगुलर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हमने एनालिसिस के तौर पे उनको ब्रेक डाउन करना होता है। यहाँ पे ये चीज़ डेफिनेशन लिखी हुई है, हाउएवर द प्योर ट्रांसलेशन इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट नहीं करती दैट अकर्स बिटवीन द पोजिशन ऑफ द आर्म रिलेटिव टू द पोजिशन हैज चेंज, ठीक है। लीनियर मोशन दैट मैं भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अगर वो इफ़ द लाइन इज स्ट्रेट तो वो रेक्टी लीनियर कहलाएगी, ठीक है, या ट्रांसलेटरी। इफ़ द लाइन इज कर्व तो वो कर्वी लीनियर कहलाएगी। तो कर्वी लीनियर एंड द रेक्टी लीनियर दे आर द कह लेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन सब डिवीजन ऑफ द लीनियर मोशन। अगर वो पाथ जो है वो कर्व्ड में जा रहा है तो वो कर्वी लीनियर है, अगर वो कर्व नहीं जा रहा स्ट्रेट है तो वो रेक्टी लीनियर, लेकिन दे बोथ आर द लीनियर। अगेन एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोटरसाइकिलिस्ट मेंटेनिंग ए मोशनलेस पोस्चर, अगर वो एक ही स्पीड के साथ मूव करता है, अपना पोस्चर भी चेंज नहीं करता, बाइक की स्पीड भी चेंज नहीं करता, और वो एक इसके साथ मूव करता है, तो वो बेस्ट एग्जाम्पल होगा कर्वी लीनियर का, सॉरी स्ट्रेट रेक्टी लीनियर का। अगर उसके आगे कोई कर्व आ जाता है लेकिन उसके बावजूद इसकी स्पीड चेंज नहीं होती, वो उसी कर्व को उसी स्पीड के साथ जो है वो फॉलो करता है, ड्राइव राइट करता है, तो वो कर्वी लीनियर होगा, ठीक है। एंगुलर मोशन वही बात है, नाम ही बताता है कि एंगुलर मतलब जहाँ पे एंगल हो, जहाँ पे एंगल फॉर्म्ड होगी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कि जहाँ पे टार्क हो, एंगल होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली टार्क। मिसाल के तौर पे जब हम एल्बो की फ्लेक्शन करते हैं तो फ्लेक्शन में क्या होता है कि एंगल कम होती है फोरआर्म की जो बोन्स हैं और जो ह्यूमरस बोन है उसके दरमियान, या कि कहीं पर भी फ्लेक्शन का मतलब ही यही है। फ्लेक्शन की बायोमैकेनिकल जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब आपकी एंगल जो है वो रिड्यूस हो, जब एंगल आपकी रिड्यूस होगी एगोनिस मसल्स की अगर बात करो तो वो फ्लेक्शन कहलाएगी, ठीक है, फ्लेक्शन कहलाएगी या प्राइम मूवर मूवमेंट कहलाएगी। तो एंगुलर इसके साथ एक वर्ड है एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको मैं साथ साथ क्लियर करता हुआ चलता हूँ। ये ज़्यादातर प्लेन वाले एक्सिस का वर्ड होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब वो पॉइंट, आप इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन कह सकते हो। एक्सिस ऑफ रोटेशन को लीवर और काइनेसोलॉजी में फलक्रम भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो फलक्रम वो पॉइंट होती है जहाँ पे कोई चीज़ मूव करती है, मिसाल के तौर पे जब आप एल्बो की फ्लेक्शन करोगे, एल्बो की फ्लेक्शन हो या एल्बो की एक्सटेंशन या वॉट एवर द जॉइंट, कहीं पर भी मूवमेंट होगी ना तो वो किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है वो मूव करेगा। तो जो जिस फिक्स पॉइंट के अराउंड वो मूव करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन सिंपली पॉइंट ऑफ रोटेशन, वो पॉइंट जहाँ पे रोटेशन होती है। और एक्सिस और प्लेन, एक्सिस वर्ड जो है वो प्लेन में आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज़ बेसिकली अ पॉइंट ऑफ रोटेशन की जहाँ पे, मिसाल के तौर पे जो वेल होते हैं पुराने टाइम में जो कुएं वगैरह, तो उस पर अगर आप चेक करोगे तो जब हम पानी, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो लीवर का है और वो पुली का, फिक्स पुली का जो है एक बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन वो लीवर के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। तो जब हम थ्रो करते हैं जो कोई भी पार्ट उसके साथ अटैच होता है, तो जिस फिक्स पुली के अराउंड, फिक्स पुली के अराउंड वो जो रोटेट कर रही होती है रोप, दैट पुली इज़ बेसिकली एज अ फलक्रम, उसके अराउंड वो चीज़ मूवर, तो वो हमें क्या करती है, फ्रिक्शन लेस मूवमेंट प्रोवाइड करती है ताकि कोई फ्रिक्शन वगैरह ना हो, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन है ए इमेजिनरी लाइन जो कि परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ मोशन के, ये एक्सिस की बेसिकली डेफिनेशन है। एक्सिस और उसी का जो प्लेन होगा वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मिसाल के तौर पे सजाइटल एक्सिस है तो उस सजाइटल प्लेन है तो उसका जो एक्सिस होगा, हालांकि वो हम पढ़ेंगे कोरोनल एक्सिस, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा तो ही मूवमेंट जो है वो बेटर होगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट, वो एक्सिस जिसके अराउंड जो है वो रोटेशन मूवमेंट परफॉर्म हो रही है। अब यहाँ पे एग्जांपल है जैसे कि ये एथलीट जो भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे तो जो रोटेशन हो रही है वो शोल्डर जॉइंट पे हो रही है ना, तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो शोल्डर जॉइंट के अराउंड रोटेशन हो रही है, तभी वो, या जिस तरह जो बॉलर्स हैं
बॉलिंग कराते हैं तो उसकी जो शोल्डर की यहाँ पे जो सर्कमडक्शन, अब यहाँ पे आप सर्कमडक्शन देखें, क्या ये एक प्लेन की मूवमेंट? नहीं, ये मिक्सअप है, ये सम अप है बेसिकली। तो इसीलिए कहा जाता है कि जनरल मूवमेंट जो है वो बॉडी की, ज़्यादातर ह्यूमन बोन्स की जनरल है, कोई प्योर लीनियर है कोई प्योर एंगुलर जो है वो नहीं होती। ये चीज़ यहाँ पे लिखी भी है कि रोटेशन ऑफ द बॉडी सेगमेंट एट अ जॉइंट अकर अराउंड एन इमेजरी लाइन, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जनरल मोशन ऑलरेडी डिस्कस, कॉम्बिनेशन ऑफ द साइड में लिखा भी हुआ है कि मोस्ट ह्यूमन मूवमेंट्स एक्टिविटीज दे आर कैटेगराइज एज द जनरल, इट्स बेसिकली अ मिक्सअप या सम अप ऑफ द लीनियर एंड द एंगुलर मोशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एंड द रोटेशन व्हेन दे आर कंबाइंड द जनरल मोशन इज प्रोड्यूस। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है कि मैकेनिकल सिस्टम हम बेसिकली हर किसी के सिस्टम होती है, जिस मिसाल के तौर पर मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं मिसाल के तौर पर। अब हम क्या करते हैं कि जिस तरह मिसाल के तौर पे क्लास का सीआर वगैरह होता है ना, तो जिस तरह हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक ना एक चीज़ को पकड़ते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस के तौर पे, मिसाल के तौर पे 10 बंदे 10, मैं अगेन बाइक का मिसाल दूँ तो 10 बाइक जो है वो एक रेस में जो है वो रेस में हिस्सा लेते हैं, अगर वो 10 की 10 मूव ऑन कर रही हैं विद द सेम वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी के साथ सारी मूव कर रही हैं, तो बजाय इसके कि मैं सबका अलग अलग से एनालिसिस करूं, सारों एक ही हैं, सारे एक ही मटेरियल की हैं, एक ही इंजन की हैं, एक ही सीसी की हैं, एक ही साथ मूव कर रही हैं, एक ही स्पीड के साथ कर रही हैं, तो मैंने अगर फाइनल आउटपुट निकालना है तो वाई शुड आई मेयर ऑल द बाइकर्स, तो मैं क्या करूँगा कि एक किसी को एज अ सैम्पल के तौर पर ले लूँगा, उसको चूज़ करूँगा और उसी से ही सारी मैं अपनी स्टडी की एनालिसिस करूँगा, तो वो कहलाता है सिस्टम। वैसे इसको सैम्पल भी रिसर्च लैंग्वेज में कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका वर्ड जो है वो सिस्टम यहाँ पर यूज़ होता है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल है रेक्टिलिनियर्स का और कर्वी लीनियर का। अगर आप इनकी मूवमेंट देखें, ये रेक्टिलिनियर है और ये कर्वी लीनियर है, ये कर्व में एरो इज शोइंग द कर्व, तो ये कर्व में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जब ये अपनी कलाबाजी दिखाते हैं या जितने भी, तो आप चेक करेंगे इनकी स्पीड यकसां होती है। जब स्पीड यकसां होगी और डायरेक्शन स्ट्रेट होगा तो वो रेक्टिलिनियर है, स्पीड सेम होगी डायरेक्शन जो है वो एंगल में होगा तो वो कर्वी लीनियर कर्व फॉर्म में होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस टर्मिनोलॉजी, एनेटमिकल रेफरेंसेस और प्लान है हमारे पास, और इनको थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि एनेटमिकल रेफरेंसेस जो हम मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे हमने रेक्टिलिनियर और कर्वी लीनियर का रेफरेंस लिया तो ये हमारे पास कैसे हैं। अगेन मैं बताता चलूँ कि ये रेफरेंसेस के तौर पे या जो ट्रीटमेंट प्लान है, ये कैल्टनबोर्न ने थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ था ना, तो एनेटमिकल रेफरेंसेस जो पोजिशंस होती हैं, अब यहाँ पर उनकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें। एनाटॉमिकल जो पोजीशन होती है ना, बेसिकली एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है कि एक नेचुरल पोजीशन। ठीक है, जब मतलब एक स्केलेटल की अगर हम बात करें, स्केलेटल में जब हम पोजीशन मेयर करते हैं या जो हमारे पास जॉइंट की रेंजेस होती हैं, वो एनाटॉमिकल वर्ड अक्सर यूज़ होता है। तो एनाटॉमिकल में क्या होता है कि लेट सपोज आप किसी में मसल्स वगैरह अटैच नहीं है एक स्केलेटल, तो वो एक आइडियल पोजीशन इज एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसमें आपकी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में प्लेस की जाती है। ठीक है, फोरआर्म फेसिंग, ये क्वेश्चन है सर, जिमनास्ट तो प्योर रोटेशन अराउंड अ बार परफॉर्म करते हैं, कर तो रहे हैं प्योर कंप्लीट रेंज देते हैं, तो सर ये प्योर तो जो जिमनास्ट डिस्कशन का सवाल है कि जो जिमनास्ट प्योर रोटेशन वगैरह बाहर परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो प्योर मोशन या जितनी भी मूवमेंट्स की बात हो रही है, सबसे पहले अगर हम बॉडी की बात करें ना, तो वो जॉइंट लेवल की मूवमेंट की बात हो रही होगी। ठीक है, देखें अगर हम बायोमैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बायोमैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो बायोमैकेनिक्स में जो प्योर लीनियर और प्योर रोटेशन, वो रोटेशन जॉइंट के अराउंड नहीं हो रही, वो जो जिमनास्ट रोटेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे कर्वी लीनियर और रेक्टिलिनियर है, ये बार के अराउंड रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो वो अब हम बात करेंगे जॉइंट लेवल की, तो जॉइंट लेवल पे प्योरली लीनियर और इस तरह 100% लीनियर 100% इस तरह कर लो इसको, प्योर ना वर्ड यूज़ करो, मतलब 100% लीनियर मूवमेंट नहीं होती तो 100% एंगुलर नहीं होती। ठीक है क्वेश्चन, अगर बार के अराउंड भी बात करो तो वो जनरल मूवमेंट जनरल मूवमेंट होगी। ठीक है, चलें जी, एनाटॉमिकल पोजीशन की बात हो रही, तो जिस तरह एनाटॉमिकल पोजीशन है, हेड शुड बी इन, नेक शुड बी लेवल इन द शोल्डर, फेस फेसिंग जो है वो फ्रंट सामने की तरफ जो फेस कर रहे होते हैं, इस तरह वो एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है। और ये क्यों एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, ताकि कंपेयर करने के लिए, अगर बॉडी थोड़ी सी भी अब नॉर्मल डायरेक्शन में जाती है या किसी और एंगल में, तो किसी से कंपैरिजन करने के लिए हमने एनाटॉमिकल पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट दिया होता है। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन विद द ऑल बॉडी पार्ट्स इंक्लूडेड द पाम्स ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड सामने की तरफ एंड कंसिडर द स्टार्टिंग पोजिशन फॉर द, अगेन इसको
कंपेयर करने के लिए। ये कल्टन बोर्ड ने भी कंसेप्ट दिया था कि हमारे पास जो जॉइंट की रेंज मेयर करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि एक्सटेंशन, मिसाल के तौर पे जब आपने एल्बो की फ्लेक्शन ले ली 150 या 130 या वॉट एवर, वेयर इज़ द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है, बेसिकली रिवर्स फ्लेक्शन है। तो यहाँ पे एक जीरो को जो कॉन्सेप्ट था कि जीरो से आप स्टार्ट करें, ये कल्टन बोर्ड ने दिया हुआ था ना। तो एनाटॉमिकल पोजीशन का हमारे पास होना बिल्कुल लाजम होता है, जिसमें जिससे हमें नॉर्मल का पता चलता है। आपको कंपेरिजन आप कर सकते हो, आपको नॉर्मल का पता होगा तो ही आप डेविएटेड रेंज को मेयर करोगे ना। आपको पता ही नहीं है नॉर्मल रेंज कितनी है, आपको एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं पता, तो आप उसकी डिफरेंट पोजीशन, क्लोज पैक पोजीशन, ओपन पैक पोजीशन या नॉर्मल रेंज कैसे आप उसको जो है वो दे सकते हैं। तो व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होता है कि शोल्डर, सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो इंक्लूडिंग पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड और बिल्कुल इरेक्ट होने चाहिए, जो कि नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है। ठीक है, अब ये एग्जांपल है, ये जो बॉल है जो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स में, वॉलीबॉल, रग्बी में यूज़ होता है मिसाल के तौर पे, अगर जब हम इसको थ्रो करते हैं, अगर ये एक ही स्पीड के साथ कर्व फॉर्म में जा रहा है तो ये रेक्टिलिनियर है, लेकिन ये अपने ही इर्द गिर्द अगर रोटेट करे तो वो स्पिन वगैरह। मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि मिसाल के तौर पे जिस तरह अर्थ है, अर्थ है ना, अर्थ अपने अराउंड भी स्पिन करती है, जो ऑर्बिटल मोशन है और स्पिन मोशन है, तो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन में मूवमेंट करना दैट इज़ द स्पिन मोशन, जैसे कि अर्थ करती है, मून करती है। लेकिन किसी और के अराउंड मूव करना दैट इज़ ऑर्बिटल मोशन, जैसे अर्थ जो है वो चक्कर लगा अराउंड, ऑर्बिटल मूवमेंट करती है अराउंड द सन एंड मून, जिस तरह डिफरेंट सन तो नहीं करता, सन तो, सन इज़ द मोस्ट स्टेबल प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, लेकिन इसके अलावा तो अपने अराउंड मूव करना इज़ द स्पिन और किसी और के अराउंड मूव करना दैट इज़ द रोटेशन। ठीक है, एथलीट्स की वेलोसिटी वेरिएबल होगी, ये क्वेश्चन है, वो हम ऐसे तो नहीं बता सकते, वो तो मेयर करेंगे ना। एथलीट्स अगर एक ही स्पीड के साथ मूव कर भी सकता है, एक ही स्पीड के साथ क्यों नहीं मूव कर सकता है? बिल्कुल, तो वो डिपेंड करता है कि अगर वो वेरी करता है कि नहीं करता विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम एंड ऑल। तो पॉसिबल वेरिएबल डायरेक्शनल टर्म्स है हमारे पास, ये एनाटॉमिकल पोजीशन के टर्म्स है, इसको पढ़ने की कोई, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल बेसिक है। सुपीरियर मतलब अपवर्ड, इन्फीरियर मतलब डाउनवर्ड, एंटीरियर मतलब सामने की तरफ से, और जिसको वेंट्रल, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, डोर्सल या पोस्टीरियर, मीडियल, मीडियल साइड, लेटरल, अवे फ्रॉम मीडियल, प्रोक्सिमल जो करीब वाला हिस्सा होता है, डिस्टल दूर वाला हिस्सा, सुपरफिशियल ऊपर और डीप इनसाइड। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल टर्म आई डोंट थिंक सो इसको यूज़ करना चाहिए। एनाटॉमिकल रेफरेंस एंड प्लेन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि प्लेन एंड एक्सेस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उसका रेस्पेक्ट टू, मिसाल के तौर पर सजाइटल प्लेन का जो भी एक्सेस होगा वो सजाइटल के परपेंडिकुलर होगा, दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं। कीप इन माइंड, सजाइटल प्लेन का एक्सेस कौन सा, मिसाल के तौर पर सजाइटल और फ्रंटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो सजाइटल प्लेन का जो एक्सेस होगा वो कौन सा होगा, फ्रंटल एक्सेस होगा या कॉरोनल एक्सेस होगा, और कॉरोनल प्लेन का जो एक्सेस होगा वो सजाइटल एक्सेस होगा। कीप इन माइंड, तो दोनों, जिस प्लेन का जो एक्सेस होगा वो उसके अराउंड परपेंडिकुलर होगा, सामने वाले के नहीं। अब फ्रंटल प्लेन का जो एक्सेस होगा वो फ्रंटल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, सजाइटल के नहीं, उसके तो वो पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, तो तीन प्लेन हम प्लेन्स हमारे पास हैं जो कि बॉडी को डिवाइड किया गया था। प्लेन का कॉन्सेप्ट भी कल्टन बोर्ड ने ही थोड़ा बहुत दिया हुआ था कि प्लेन तीन बॉडी, अब जो शॉर्ट शॉर्ट मैं बताता चलता हूँ। सजाइटल प्लेन क्या होता है, जो बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, जो कोरोनल है वो बॉडी को एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, तभी इससे पहले डायरेक्शनल टर्म पढ़ना लाजमी थे। जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो बॉडी को सुपीरियर एंड इन्फीरियर, अपर एंड लोअर बॉडी में जो वो डिवाइड करता है, लेकिन हर एंगल, हर प्लेन जो है वो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। मैं इसको थोड़ा बहुत जो है वो दिखाऊंगा, और हर प्लेन की डिफरेंट मूवमेंट्स भी हैं। ठीक है, अब एनाटॉमिकल रेफरेंस एक्सेस है, एक्सेस और प्लेन का मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो भी बनी हुई है। एक्सेस एंड प्लेन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दूसरा प्लेन में मूवमेंट होती है, एक्सिस पे मूवमेंट होती है, जिसका मैं हर बार एग्जांपल यही देता हूँ कि लेट सपोज जब हम दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं या खिड़कियाँ जो भी वॉट एवर, जब भी हम उसको मूव कराते हैं मिसाल के तौर पे, तो दरवाज़ा जो मूव करता है वो प्लेन में मूव करता है। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वो प्लेन कहलाएगा, किस पे मूवमेंट कर रहा है वो हिंजेस के ऊपर, तो हिंज क्या हुई यहाँ पे एक्सेस हुआ। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे जब हम एल्बो की फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो एल्बो की फ्लेक्शन सामने वाले डायरेक्शन में मूव कर रही होती है ना, एल्बो की फ्लेक्शन ये होगी ना, आप एल्बो सामने एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें एंड डू द एल्बो फ्लेक्शन, तो जिस मूवमेंट, जिस डायरेक्शन में कर रही है वो आपका प्लेन है। किस पे मूवमेंट कर रही है, जो कि फलक्रम, जो कि एल्बो जॉइंट पे कर रही है ना, तो वो आपका एक्सेस है। ठीक है, तो एक्सेस एंड प्लेन दे बोथ आर परपेंडिकुलर ईच अदर, मैं इसको मजीद आगे क्लियर करता हूँ।
सर मीडियन सजेटल प्लेन एंड सजेटल प्लेन का डिफरेंस कोई नहीं है। मीडियन जो जितने भी प्लान है ना, बेसिकली उनको पहले कार्डिनल प्लान कहा जाता है या मीडियन प्लान कहा जाता है। तीन टर्म्स के ऊपर आप फोकस करें, हमारे पास सजाइटल है जिसको सजाइटल को मीडियल प्लान भी कहा जाता है। टर्म्स आप डिफरेंट उनको दे दो, डजेंट मैटर, आप तीन चीज़ों पे फोकस करो। मैं इजी तरीका बिल्कुल आपको बताता हूँ। सजाइटल एंड कोरोनल, देखे ना, हमारे पास मेडिकल वर्ड भी है मीडियन प्लान, सजाइटल इंग्लिश। अब कोरोनल की बात करो, कोरोनल मेडिकल वर्ड है, फ्रंटल हमारे पास जो है वो कह लें कि उसकी डिवीजन के बेसिस पे रखा गया, ट्रांसवर्स प्लान है। तो सजाइटल प्लान, कोरोनल प्लान, ट्रांसवर्स प्लान, उसको निकाल दो, आप ट्रांसवर्स प्लान को निकाल दो। सजाइटल एंड फ्रंटल, जो सजाइटल का एक्सेस होगा वो फ्रंटल के परपेंडिकुलर होगा, जो फ्रंटल को होगा वो सजाइटल के। मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा, जो सजाइटल का प्लेन क्या है, सजाइटल का प्लेन कौन सा है, फ्रंटल एक्सेस। एंटीरो मीडियल, एंटीरो पोस्टीरियर, मीडियो लेटरल, इस पर आप कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल याद रखो कि सजाइटल प्लेन का एक्सेस कौन सा है, फ्रंटल, क्योंकि सजाइटल के अपोजिट है फ्रंटल, सॉरी परपेंडिकुलर है। तो फ्रंटल का एक्सेस कौन सा है, सजाइटल, सिर्फ इतना आप याद रखो, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर है। तो सजाइटल प्लेन हमारे पास है, कोरोनल प्लेन हमारे पास, ट्रांसवर्स प्लेन है। ट्रांसवर्स को फिलहाल निकाल दो। सजाइटल का एक्सेस कौन सा है, फ्रंटल एक्सेस, ठीक है। सजाइटल प्लेन के मूवमेंट को भी आप फिलहाल बुला दो, हम आगे पढ़ेंगे। सजाइटल प्लेन का एक्सेस कौन सा है, फ्रंटल एक्सेस। फ्रंटल प्लेन का एक्सेस कौन सा है, सजाइटल। दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसका एक्सेस उसका प्लेन है, उसका प्लेन उसका, इस तरह करके आप उसको डिवाइड कर दो। ट्रांसवर्स प्लेन का एक्सेस कौन सा है, वर्टिकल एक्सेस, सिंपली, ठीक है। और उसकी मूवमेंट भी हम देखेंगे, रोटेशन वगैरह। सर प्लेन को थोड़ा क्लियर करें, देखें फाइजा कोसो का क्वेश्चन है, प्लेन में मूवमेंट होती है, ठीक है। प्लेन क्या, मैं आगे इसकी, चले मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, यहाँ से आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखें, जब प्लेन, अगर आप किसी बॉडी को सामने की तरफ कट लगाते हो, ठीक है, ये बॉडी है, मैं इसके बिल्कुल बीचों बीच नाक से अगर इसको कट लगाऊँ, ये बॉडी को डिवाइड करे राइट, उस तरफ राइट है, इस तरफ लेफ्ट है। जब ये बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करेगा ना, तो ये सजाइटल प्लेन कहलाएगा। अब इस तरह कट लगाओ कि बॉडी जो है वो आगे की तरफ, मतलब एक तरफ आपका फेस हो, दूसरी तरफ आपका हेड हो, डिवाइड हो जाए ना, तो ये आपका कहलाएगा कोरोनल प्लेन, या जिसको फ्रंटल प्लेन कहा जाता है। और इस तरह कट लगाओ कि आप जो है बॉडी को ऊपर और नीचे, सुपीरियर एंड इन्फीरियर में डिवाइड करो, ये ट्रांसवर्स कट, ठीक है, तो ये कहलाएगा ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। तो होपफुली फायदा कि प्लेन आपका जो है वो क्लियर है। तो प्लेन तीन है हमारे पास, सजाइटल प्लेन बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है, अगर आप बीचों बीच बिल्कुल नाक से काटो तो बॉडी राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होगी, तो वो सजाइटल प्लेन है। अगर बॉडी को आप साइड से काटो, शोल्डर के लेवल से काटो, जिस तरह आपका फेस एक तरफ है, आपका जो हेड ऑक्सीपिट है वो एक तरफ है, और बॉडी बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो वो आपका फ्रंटल या कोरोनल प्लेन है, ठीक है। और अगर बॉडी को सुपीरियर एंड इन्फीरियर बीचों बीच एब्डोमेन से काटो, बॉडी कि जो लोअर एक्सट्रीमिटी एक तरफ और आपका एब्डोमेन, लेकिन इक्वल इन हाफ, इक्वल इन वेट होनी चाहिए, तो वो आपका ट्रांसवर्स प्लेन है, जिसका एक्सिस कौन सा है, वर्टिकल, ठीक है। एक्सिस प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। होपफुली फायदा क्लियर है, ठीक है। चलें जी आगे की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। थैंक यू हीरा फॉर आंसरिंग। डिवीजन ऑफ द बॉडी इंटू टू हाफ फ्रॉम एग्जैक्टली द मिड लाइन, जी बिल्कुल वही बातें हैं। और मिड सजाइटल प्लेन इज द डिवीजन ऑफ बॉडी इंटू टू, मिडल ऑफ द बॉडी इंटू टू इक्वल हाफ, एंड द सजाइटल प्लेन इज द डिवीजन ऑफ द बॉडी इंटू टू हाफ बट नॉट एग्जैक्टली इन द मिड। जी बिल्कुल ठीक बात है कि मैंने जिस तरह बताया कि ये वर्ड्स एक तरफ ही हैं, लेकिन बस उनको डिफरेंट, तो मीडियल सजाइटल या सजाइटल प्लेन की तरफ आप इनमें कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आप सजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन पर ही फोकस्ड रहें, ठीक है क्वेश्चन। एंड थैंक्स हीरा फॉर कवरिंग। जी बिल्कुल, एम एन अमित का, सजेटल को एंटीरियर पोस्टीरियर क्यों कहते हैं जबकि बॉडी तो वो राइट एंड लेफ्ट में। देखो जो एंटीरियर, जो सजेटल को एंटीरियर पोस्टीरियर क्यों कहा जाता है, देखें ना, जो सजेटल प्लेन का आप कॉन्सेप्ट अगर वो चेक करें, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी देता हूँ। सजेटल क्या करता है कि एक चीज़ देखें, इसका मैं बेस्ट याद रखने का तरीका आपको बताऊँ। सर सजाइटल को, आपने, आपका सवाल है कि एम एन अमित का, कि सजाइटल को एंटीरियर पोस्टीरियर क्यों कहते हैं जबकि बॉडी तो वो राइट एंड, देखो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करने के लिए आप कट कहाँ से डालते हो, आगे से। जब आप फेस से, नाप की तरफ से आप उसको, मिसाल के तौर पर एक चीज़ है ना, आप जब पेड़ को काटते हो, तो अगर आपने, आप नाक से अगर जो आपके पास साह है या जो आरी जिसको कहा जाता है, अगर वो बिल्कुल, या छुरी कह लें मिसाल के तौर पे, जब आप कट लगाते हो तो आप नाक से लगाओगे, कट करोगे और पीछे से निकालोगे, और इस तरह करके जिस तरह हम केक काटते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो एंटीरियर से जा रहा है, वो पोस्टीरियर से निकल रहा है, इसीलिए उसको एंटीरियर पोस्टीरियर कहा जाता है, क्लियर है आई मैन अमित। और इसी तरह उसको मीडियो लेटरल इसीलिए कहा जाता है कि वो लेट, आप चेक करो उस तरह, उसका
चेक करो कि वो पीयर्स कहाँ से कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सुजैन सजाइटल प्लेन डिवाइड इनटू द, बिल्कुल देखो ना, सजाइटल प्लेन और मिड सजाइटल प्लेन दोनों में मैं बता रहा हूँ ना, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सजाइटल प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप सिर्फ इतना याद रखो वो बॉडी को दो इफ, ये मिड सजाइटल इसकी तरफ आपने जाने की ज़रूरत नहीं है। सजाइटल प्लेन वो प्लेन है जिस जो आपको राइट एंड लेफ्ट में बॉडी को डिवाइड करता है, एंटीरियर से जाता है पोस्टीरियर से निकलता है, इसको उसको एंटीरियर पोस्टीरियर कहा जाता है। उसका एक्सिस कौन सा है? फ्रंटल एक्सिस है। ठीक है क्वेश्चन, बस इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखें और आगे की तरफ मूव ऑन करें। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दूंगा, आप आपका जो सजाइटल है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये एमन का सवाल था, ठीक है। अब आप इसको देखें, ये जो साइकिलिस्ट है, ये जैसे ही साइकिल रन कर रहा है, ये जो पार्ट है ये बेसिकली आपका शो करता है एक्सिस को, जो कि उसके बीचों बीच दोनों जो है टांगों के बीच जा रहा है, तो वो बिल्कुल बीचों बीच उसको कट लगा रहा है ना। अब आप इस प्लेन की जो डायरेक्शन चेक करें, वो सामने की तरफ है, तो सामने की तरफ जो भी आपकी मूवमेंट होगी तो वो सजाइटल प्लेन की मूवमेंट होगी। सामने की तरफ आपकी कौन सी मूवमेंट? आप बेंड, आप ट्रंक को फॉरवर्ड जो है आगे की तरफ बेंड करते हो, जस्ट बेस्ट जो है ट्रंक की फ्लेक्शन, आप एल्बो की फ्लेक्शन सामने की तरफ होती है, एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ट्रंक की फ्लेक्शन, दीज आर द सजाइटल प्लेन मूवमेंट। प्लांटर एंकल फुट पे आ जाओ तो एंकल की मूवमेंट जो प्लांटर फ्लेक्शन है, डोर्सी फ्लेक्शन है, दीज आर द सजाइटल प्लेन मूवमेंट्स। ठीक है, अब हम जॉइंट मूवमेंट टर्मिनोलॉजी है। सजाइटल प्लेन मूवमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं इसकी पिक्चर्स दिखा देता हूँ। फ्लेक्शन एक्सटेंशन एल्बो पे हाइपर एक्सटेंशन, ये सारी मूवमेंट सजाइटल प्लेन की हैं। एंकल की बात करो तो प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सी फ्लेक्शन। फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन क्या होता है कि जो बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। ठीक है, जो बॉडी को शोल्डर लेवल से आप एक शोल्डर से जो है वो पियर्स करते हो दूसरे शोल्डर के सर, और बॉडी को बीचे बीच आगे और पीछे के हिस्से में, मतलब एक तरफ आपका फेस दूसरी तरफ आपका ऑक्सीपिट, इसी तरह करके जो एक तरफ आपका एंटीरियर दूसरी तरफ आपका पोस्टीरियर, वेंट्रल डोर्सल जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो फ्रंटल प्लेन है। और इसकी मूवमेंट कौन कौन सी, अब आप इमेजिन करो कि शोल्डर लेवल पर आपकी इमेजिन, मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी कौन सी होती है? आपकी एबडक्शन है, ठीक है, आपकी डेविएशन है, अल्ना डेविएशन, रेडियल डेविएशन, शोल्डर एबडक्शन, शोल्डर एडिडक्शन, ये आपकी सारी फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट है। इनफैक्ट आपकी जो है वो स्केपुलर की शोल्डर एलिवेशन एंड डिप्रेशन, दीज आर द फ्रंटल फ्रंटल प्लेन मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि वो मिड से बिल्कुल हटके जा रही होती हैं। अब ये हिप की एबडक्शन एडक्शन है, ठीक है, और फ्रंटल का एक्सेस कौन सा है हमारे पास? सजाइटल एक्सेस, जो मैंने ईजी तरीका आपको बताया था। ठीक है, ट्रंक की जो साइड फ्लेक्शन है, नेक की साइड फ्लेक्शन है, ट्रंक की साइड फ्लेक्शन, थोरेसिक साइड लेटरल फ्लेक्शन जो है राइट या लेफ्ट, ये फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स है। शोल्डर स्केपुलर की एलिवेशन, अल्नर की रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन, रेडियल डेविएशन, और इनफैक्ट फुट पे अगर आ जाओ तो इनवरियन एंड इवरियन, दीज आर आल्सो फ्रंटल मूवमेंट, बिकॉज दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द मिड, दे आर कमिंग टूवर्ड द मिड, सो दीज आर द फ्रंटल। एंड फाइनली इज द ट्रांसफर, ट्रांसफर प्लेन की मूवमेंट बेस्ट रोटेशन, जितनी भी जो भी रोटेशन हो, चाहे वो प्रोनेशन हो, सुपिनेशन हो, चाहे वो थोरेसिक, चाहे वो लंबर पे तो नहीं होती, लेकिन स्पाइन की रोटेशन हो, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन हो, इस तरह। ठीक है, ऐसे तो पैरा सजाइटल है, देखो ना, अभी अरिबा का क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको बता देता हूँ, सजाइटल क्लियर है आपका कि सजाइटल वो जो दो इक्वल में डिवाइड करे, तो वो बिल्कुल हीरा का आंसर जो वो बिल्कुल ठीक था। अगर आप मिड में से डिवाइड करते हो, मिसाल के तौर पे ना, अगर आप मिड से डिवाइड करते हो, मिड सजाइटल अगर पेरीफ्री से करो तो वो पैरा सजाइटल है, तो इसी तरह करके वो पैरा सजाइटल पैरा क्या होता है, पैरा वर्ड हमेशा पेरीफ्री से वर्ड निकला गया है ना, तो सजाइटल का मतलब सिर्फ आप एंटीरियर से किसी चीज़ को पियर्स करो, पोस्टीरियर निकालो, तो वो सजाइटल की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, इस तरह करके, लेकिन अगर इक्वल ऑब्स की बात करो तो आपने मिडो बीच बीचों बीच जो है वो कट करना होता है। सर, सूजन में लिखा है कि मेनी ऑफ द मूवमेंट्स कंडक्टेड बाय द सिस्टम आर नॉट ओरिएंटेड सजाइटल फ्रंटल, एग्जैक्टली मैंने ये देखे ना, अगर आप कोई भी मूवमेंट करो तो इस ये जो आपकी डेफिनेशन है क्वेश्चन सर, जो सूजन में लिखी हुई कि मेनी ऑफ द मूवमेंट कंडक्टेड बाय द सिस्टम दे आर नॉट ओरिएंटेड सजाइटल, उसका जवाब ये है क्योंकि प्योर फॉर्म में कोई नहीं मिलती। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा कि आप शोल्डर की कितनी भी मूवमेंट करो, क्या स्केपुला पे मूवमेंट नहीं होती? होती है, स्केपुला ह्यूमरल रिदम है हमारे पास, है ना, तो प्योर मूवमेंट तो वो नहीं हुई, लेकिन हमने उसको पढ़ना तो, लेकिन जब आप उसका एनालिसिस करते हो ना तो आपने उसको थारोली। अब आप मैं एग्जांपल दूंगा, आप एल्बो की फ्लेक्शन करो, आप नी की फ्लेक्शन करो, उस पर टिबिया रोटेट करती है, अगर टिबिया रोटेट करती है तो हमारे पास ये ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट है। इसी तरह प्योर मूवमेंट कोई नहीं होती, तो इसका ऑथेंटिक जो आंसर है वो ये होगा कि प्योर फॉर्म ऑफ द मूवमेंट्स कंडक्टेड बाय द सिस्टम दे आर नॉट ओरिएंटेड, एंड व्हाट इज द
सिस्टम मैंने आपको बताया, सिस्टम क्या है कि एग्जांपल है, फुल बॉडी मूवमेंट नहीं है। सिस्टम क्या होता है कि दो जॉइंट अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही प्लेन में, एक ही एक्सिस में अगर मूव कर रहे हैं, तो हम एक को उठा के रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे उसका रिप्रेजेंटेटिव है, इसी तरह करके सिस्टम की अगर बात करो। लेकिन अगर आप कलेक्टिवली बात करो तो प्योर फॉर्म में नहीं होती। तो जो सूजन में ये पॉइंट लिखी हुई है, तो उसका आंसर प्रॉपरली ये होगा कि प्योर मूवमेंट्स दे आर नॉट कंडक्टेड, दे आर नॉट ओरिएंटेड एट एनी स्पेसिफिक प्लेन। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन क्लियर है। अदर मूवमेंट्स जो कि कॉम्बिनेशंस में आ जाती हैं, ठीक है, जिस तरह सर्कमडक्शन है बेस्ट एग्जांपल, वो तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्लेन है ना, जितनी भी प्लेन, तीनों प्लेन्स की मूवमेंट जो होती है वो आपको सर्कमडक्शन में मिलती है। रोटेशन ये ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं, कंबाइंड मूवमेंट का हेरा आसिफ का सवाल है कि सर क्या कंबाइंड मूवमेंट का कोई स्पेसिफिक, नहीं कैसे हो सकता है ना, आप देखें ना, कंबाइंड मूवमेंट नाम ही बताता है कि वो बेटा कॉम्बिनेशन है। हालांकि कपल मूवमेंट का आप कह लो वैसे दोनों में डिफरेंस है, कंबाइंड मूवमेंट और कपल्ड मूवमेंट में। कंबाइंड मूवमेंट आप एक प्लेन में कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। हाँ, मिसाल के तौर पे बाई एक्सियल जॉइंट है, जिस तरह रेडियो उल्नर या जितने भी बाई एक्सियल जॉइंट है, वो नाम ही बताता है कि वहाँ पे दो एक्सियल हैं, दो प्लेन हैं, उनकी मूवमेंट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे उस जॉइंट पे फ्लेक्शन हो रही है तो वो सेजाइटल प्लेन की मूवमेंट है, उस जॉइंट पे एबडक्शन हो रही है या रोटेशन हो रही है तो वो ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट। तो कंबाइंड मूवमेंट का कोई स्पेसिफिक प्लेन नहीं हो सकता, क्योंकि वो वर्ड ही बताता है कि वो मूवमेंट का कॉम्बिनेशन है। और जब मूवमेंट का मिसाल के तौर पर कंबाइंड मूवमेंट की आप बेस्ट एग्जाम्पल दूँ ना, एल्बो की फ्लेक्शन है, जब एल्बो की फ्लेक्शन हो रही होती है तो फोर आर्म सुपिनेट भी तो कर रहा होता है ना, मिसाल के तौर पर आप प्रोनेशन से आ रहे हो, तो प्योर एल्बो फ्लेक्शन तो नहीं है। इस तरह करके जब आप टिब्बियों की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हो तो टिब्बिया पे रोटेशन भी हो रही होती है, लेटरल एंड मीडियल लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी ज्वाइंट, तो वो प्योर फॉर्म में तो नहीं होती ना, इसीलिए कंबाइंड मूवमेंट का कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं कह सकते। ओब्लिक प्लान, ये बिल्कुल ओब्लिक, वैसे मैंने बता दूँ कि जो बेसिक तीन प्लान है वो यही है, ओब्लिक डायगोनल प्लान से। आपने आप आ, मैं ओब्लिक प्लान का एक बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, एस्केप्शन मूवमेंट, SCAPTION। क्या होता है, व्हाट इज़ द एस्केप्शन, अगर आप शोल्डर की 90 डिग्री फॉरवर्ड फ्लेक्शन करते हो तो वो कहलाएगी आपकी सेजाइटल प्लेन की मूवमेंट, अगर आप शोल्डर पे 90 डिग्री एबडक्शन करो तो वो कहलाएगी आपकी फ्रंटल प्लेन मूवमेंट, लेकिन आप इस 90 डिग्री शोल्डर फ्लेक्शन एंड 90 डिग्री एल्बो शोल्डर एबडक्शन के बीच में एग्जैक्टली 45 डिग्री पे जो मूवमेंट परफॉर्म करते हो, दैट इज़ द एस्केप्शन एंड दैट इज़ योर ऑब्लिक। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, ये वाला जो हाथ है हेरा आसफ, यहाँ पे आप देखिएगा, ये वाला जो है ये 90 डिग्री अबडक्शन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल जो सामने वाली शोल्डर की फ्लेक्शन है, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच जहाँ पे मेरा पेन, यहाँ पे ये मार्कर पड़ा हुआ है, दिस इज़ द एस्केप्शन। ठीक है, तो शोल्डर की जो 90 डिग्री एबडक्शन है एंड शोल्डर की 90 डिग्री फॉरवर्ड फ्लेक्शन है, उसके बीचों बीच 45 डिग्री पे जो मूवमेंट होती है वो एस्केप्शन। तो इस तरह करके ओब्लिक का वर्ड यूज़ होता है। वैसे ओब्लिक प्लेन जो है वो नेचुरल एनाटॉमिकल प्लेन नहीं है, एनाटॉमिकल प्लेन हमारे पास तीन ही है। ठीक है बेटा, प्लान विच इज़ एक्सेप्ट प्लान विच इज़, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो जवाब दे रहा है हेरा को कि प्लान विच इज़ एक्सेप्ट फ्रंटल सजाइटल एंड इज ऑब्लिक, लाइक हाँ कह सकते हैं आप, कह सकते हो, लेकिन नेचुरल जो हमारे पास एनाटॉमिकल प्लान है वो तीन है, कौन से हैं, सजाइटल, फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स, इसके अलावा जितने भी हों उसके अलावा नहीं, लेकिन एस्केप्शन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब एक एंगल पे हो, सीधी बात है। ठीक है, चलें जी आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे पास है सर्कमडक्शन ऑफ द इंडेक्स फिंगर, सर्कमडक्शन इज़ द कॉम्बिनेशन बेसिकली एंड द स्पेशल रेफरेंसेस सिस्टम। हाँ जी, यहाँ पे ये जो मूवमेंट है ना, ये ऑब्लिक प्लेन की मूवमेंट, अगर आप चेक करें तो ये बिल्कुल 45 की डिग्री पे है, और ये ना तो किसी सजाइटल की है ना किसी, तो ये बेसिकली तो कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसका प्लेन ऑब्लिक हम कह सकते हैं। ठीक है, हाँ जी हेरा आसफ, आपका ये पेज नंबर 60 है, यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है, अ टेनिस दैट सर्व रिक्वायर आर्म इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ डायगोनल प्लेन। ठीक है, तो ये जो डायगोनल प्लेन है, डाई मतलब दो, तो दो एंगल पे दोनों के बीचों बीच जो है, मतलब के तौर पे अगर 90 डिग्री एबडक्शन तो वो फ्रंटल है, 90 डिग्री फॉरवर्ड फ्लेक्शन तो वो सजाइटल है, तो उसके बिल्कुल बीचों बीच, इसीलिए इसको डायगोनल, तो इसी को ही आप ऑब्लिक जो है वो कह सकते हैं। ठीक है सर, और कोई एग्जांपल बता दें ऑब्लिक प्लेन का। हाँ जी, ये है ना, शोल्डर के अलावा ये देखें, अगर आप बीचों बीच किसी भी चीज़ को एक एंगल पे परफॉर्म करते हो ना, या जैसे टॉर्क जनरेट होता है ना,
टार्क जिस तरह जनरेट होता है, टार्क किसी एंगल पे जनरेट हो रहा होता है। अब मिसाल मैं दूं कि अगर आप, ये एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप हिप पे, हिप की अगर बात कर लो, हिप अगर आप सामने की तरफ 90 डिग्री में लेके जाते हो तो वो हिप की फॉरवर्ड फ्लेक्शन है, एबडक्शन करो तो वो फ्रंटल है। लेकिन अगर उन दोनों के बीचों बीच आप 45 की एंगल पे हिप को अगर आप करते हो, जिस तरह बेस्ट एग्जाम्पल है, एक डायरेक्शन में आप परफॉर्म करते हो, या मिसाल के तौर पे क्रॉस आर्म जो अगर होती है तो वो आपका डायगोनल में आएगा, तो एक एंगल पे आएगा। तो प्योर प्लेन से हटके, प्योर तो वैसे होती नहीं लेकिन समझाने के लिए, प्योर से हटके अगर जो चीज़ होती है, तो वो क्वेश्चन ने बिल्कुल ठीक कहा, प्योर से हटके अगर आप हटा दो तो आप उसको ऑब्लिक में डाल लेते हो, लेकिन प्योर से हटा के आपके पास कपल मूवमेंट भी आती है, इसीलिए ऑब्लिक का बेस्ट एग्जाम्पल, जैसा कि ये टेनिस प्लेयर जो परफॉर्म कर रही है। क्वालिटेटिव एनालिसिस आगे सारा फिजिक्स का है कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं। एनालिसिस का बेस्ट तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि जनरल मोशन को अगर आपने एनालाइज करना है तो आपने पहले उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जनरल को आप कैसे डिवाइड करोगे, लीनियर और उसमें एंगुलर में, और फिर आप अपनी कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, हम इसको थोड़ा बहुत आगे देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन एनालिसिस करने के लिए आपको उसको ब्रेक डाउन करना, आपने उसके वेक्टर कंपोनेंट्स में उसको तोड़ना ज़रूरी होता है, उसके यूनिट्स में तोड़ना लाजिम होता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, नॉलेज फॉर द क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, वही बात लिखी हुई है इसमें, कोई ऐसा पढ़ने वाली नहीं, ये जस्ट प्रॉब्लम है। प्लानिंग अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, आपने किसी का क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें दरकार होती है। मिसाल के तौर पे आपने किसी का गेट पैटर्न देखना होता है तो गेट पैटर्न ऐसे नहीं मेयर किया जाता आंखों से, तो बिल्कुल नहीं, उसके लिए बहुत सारी गेट पैटर्न के सब स्टेजेस, अब नॉर्मल गेट तो आप आंखों से देख सकते हो, लेकिन गेट पैटर्न के जो सब स्टेजेस होते हैं उसके उसके लिए आपको वीडियोग्राफ्स दरकार होते हैं, पैरेलल बार्स, आपको मिरर दरकार होता है, आपकी फोटोग्राफी होती है, सारी चीज़ों को मिल मिला के ही आप किसी चीज़ के ऊपर जज करते हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस को मेयर किया जा सकता। यहाँ पे लिखा हुआ, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ अ मोटर स्किल इज़ यूजफुल इन हेल्पिंग अ एनालिस्ट टू डिस्टिंग्विश द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एरर फ्रॉम द रैंडम एरर। डेफिनेटली वही बात है, वाई द एडवांस बैट्समैन डेमोन्स्ट्रेट ग्रेटर परसेप्चुअल डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग अ पिच रादर देन टू इंटरमीडिएट बैटर्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं कह लूँ कि बहुत सारी चीज़ों पर यह डिपेंड करता है। क्वेश्चन क्वेश्चन का सवाल है कि जो जितने भी आजकल की जो देखे ना, अगर आप बैटिंग की बात करो तो पहले के टाइम में वो चीज़ें नहीं थी, पहले के टाइम में इतना बायोमैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट वगैरह या इतनी उसके ऊपर एनालिसिस वगैरह नहीं होता था, लेकिन अब है। क्रिकेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल इन विच द एंगुलर या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस रिलाइज। मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, हर बार एक अच्छा कह लेंगे जिसका सिक्सर मिसाल के तौर पे कहा जाता है, सिक्सर कहा जाता है, तो वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हर बार आपको ताकत नीड नहीं होती। अगर आप, मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि विराट कोहली की जो बॉडी है या जो उसका मस्कुलेचर है वो क्रिस गेल से तो ज़्यादा नहीं है ना, लेकिन वो उससे भी बड़ा सिक्स मार सकता है। ठीक है, तो हर बार आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ दरकार नहीं होता, समटाइम एंगल नीडेड भी होती है, समटाइम बैटिंग बैट की जो एंगल है वो डिपेंड करती है, किस स्पीड, किस आप डायरेक्शन में उसको फेंकते हो वो मैटर करता है, बॉलर की स्पीड मैटर करती है। बॉलर की स्पीड ज़्यादा हो तो आप उसको ज़्यादा एंगल नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे शोएब अख्तर की जितनी भी स्पीड क्यों ना, उसको आप थोड़ी सी अगर क्लिक लगे तो वो बाउंड्री के बाहर बॉल जाता है। उसका रीज़न है क्योंकि उसके ऑलरेडी स्पीड है, हमने सिर्फ उसको डायरेक्शन दिया। आपने स्पिन बॉल के ऊपर सिक्सर मारना होता है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है रादर देन एंगल। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बैट अक्सर आपने कमेंट्री में सुना होगा कि ये बैटिंग पिच है, ये बॉलिंग पिच है, तो वो क्या तुक्का थोड़ी ना मारते हैं, मतलब उसके पीछे एनालिसिस है ना, तो वो एनालिसिस करते हैं। तो कौन सी मसल के तौर पर ज़्यादा खुश्क पिच है, ज़्यादा ड्राई है, तो वो ज़्यादा बॉलिंग पिच करार दी जाती है। ज़्यादा ग्रासी है मिसाल के तौर पर, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द बॉलिंग। तो इस तरह करके आपने नोटिस किया होगा कि जो पिच जहाँ पे बैटिंग होती है वो ज़्यादा ग्रॉसी नहीं होती, जस्ट बिकॉज ताकि बॉल प्रॉपरली जंप खा सके ना, ताकि एक अगर स्विंग करना चाहता है कोई, जिस तरह डिफरेंट बॉलर इन स्विंग आउट स्विंग कहते हैं करते हैं, अगर वो करनी है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों पर कह लें कि एनालिसिस होता। तो एक पिच सिर्फ पिच के ऊपर रिलाई नहीं करता। ठीक है कशन, तो ये आपका जवाब यही है कि पिच के ऊपर जो है वो डिसाइड किया जाता है। और भी सारी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, ना कि सिर्फ ये, और लाइटिंग देखी जाती है एक, तो इसके पीछे बाकायदा पूरी एक साइंस है। तो यही आपका, ठीक है। तो आगे की तरफ मूव ऑन करने से पहले, मैं आई डोंट थिंक सो कि आगे कोई ऐसा टॉपिक है जो को हम डिस्कस कर सकें, आगे तो क्वेश्चन ही। हाँ, जब हम कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर देखना होता है ना, तो
तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसे नहीं हो जाता कि इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये नहीं है। तो हमने आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करने के लिए हमने व्यूइंग एंगल, इस चार्ट को आप पढ़ सकते हैं, मतलब अगर देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंगल हमने देखनी होती है। एंगल क्यों मैटर करती है, जिसका मैं बेस्ट एग्जांपल कल भी मैं दे चुका था कि अगर किसी मिसाल के तौर पे आप जब दरवाज़े खिड़की या दरवाजे को आप खोलते हो, तो अगर जहाँ पे वो हिंजिस, जहाँ पे से वो दीवार से कनेक्टेड है, अगर आप वहाँ से उसको खोलो तो इट्स क्वाइट हार्डर टू स्विंग द डोर, टू ओपन द डोर, जहाँ रादर देन टू ओपन इट फ्राम द डोर हैंडल या डोर नॉब जो होता है ना, अगर आप वहाँ से खोले तो इट्स ईजियर टू स्विंग। तो एंगल देखना बहुत लाजमी होता है। एंगल की बायोमैकेनिक्स अगर हमें पता होगी तो हमें पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि मिसाल के तौर पे अगर कोई कोई बॉलर हमारे पास आता है, कोई स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट के पास जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन की इसको इंजरी लगी, तो वो सबसे पहले उसमें क्या देखेगा कि वो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है वो देखेगा। अच्छा जी, कैसे गिरे, मिसाल के तौर पर अगर गिरा नहीं तो चोट कैसे लगी, वॉट इज़ द मैकेनिज्म बियॉन्ड इट, तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। व्यूइंग डिस्टेंस, डिस्टेंस बड़ा मैटर करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से हिट करते हो, कोई गाड़ी किसी से साथ कोलाइड करता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, तो डिस्टेंस पे भी मैटर करता है ना, किस डिस्टेंस में। मिसाल के तौर पर आप बोन की अगर बात करो तो बोन के भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं विच आर द मोर वल्नरेबल टू इंजरी, वल्नरेबल टू मोर इंजरी। मिसाल के तौर पर क्लेविकल की बात करो तो वो मिड शार्प से जो है ईजी टू फ्रैक्चर है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिस्टेंस पर मेजर करती हैं, ठीक है। परफॉर्मर अटायर, मतलब उसका जो जो भी मैकेनिज्म है परफॉर्मेंस करने का, उनके बिहाफ पे भी वो किस एंगल से। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमने देखनी पड़ती हैं। फिर हमने मेक डिसीजन डिसाइड करना पड़ता है। यूज़ ऑफ द वीडियो, वीडियोज़ हमने यूज़ करनी होती है, जिसका एग्जाम्पल मैंने गेट में दिया। सर एक्सेलेरोमीटर टॉपिक लास्ट में है चैप्टर के एक्सप्लेन, ठीक है, ठीक है क्वेश्चन। इस चैप्टर को हम थोड़ा सा, इस चार्ट को हम थोड़ा सा देख लें। वीडियोस हम यूज़ करते हैं, वीडियोस में हमने प्रॉपरली, जिस तरह मिसाल के तौर पे स्पाइन की अगर कोई इंजरी होती है तो हम उसके एमआरआई वगैरह कराते हैं, स्पाइन को ठीक से देखने के लिए, स्पाइन की पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। उस तरह करके हमने वीडियोस बनानी होती है ताकि हम गेट के सब स्टेजेस देख सकें, मैकेनिज्म हम इंजरी चेक कर सकें। मैकेनिक मिसाल के तौर पे किसी को मसल में चोट लगी, अगर हम उसकी ईएमजी कराते तो हमें पता चलेगा कि मसल, एक मसल अकेला तो इंसर्ट नहीं हो रहा ना, उसके साथ बाकी भी फाइबर्स हैं, तो हमें यह पता चलेगा वो किस एंगल में रपच्चर्ड, इस तरह करके, ठीक है। ऑडिटरी, उसका साउंड भी वगैरह, और फॉर्मल परफॉर्मर, ठीक है। लास्टली क्वेश्चन ने कहा है कि एक टॉपिक है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन इज ऑफन अवेल्यूएबल सोर्स इन द एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन मोटर स्किल। वही बात बता रहा है कि जितनी भी ऑडिटरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके जो ह्यूमन की मोटर स्किल्स जितनी भी होती है ना उनके लिए इफेक्टिव है, मतलब उनको एक्सप्लेन करने के लिए। लास्टली क्या टॉपिक था, एक्सेलेरोमीटर, नाम तो एक्सेलेरोमीटर बताया, एक्सेलरेशन मेयर करने के लिए। हाँ जी, टूल्स फॉर द मेयरिंग द जितने भी काइनेमेटिक्स क्वांटिटी है उनके मेयर करने के लिए हमारे पास वीडियो एंड फिल्म, हमने उसका रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। वीडियो फॉर्म में, जिसका बेस्ट एग्जांपल मैं गेट के ऊपर दे चुका हूँ कि वो पैरों की मूवमेंट ट्रेडमिल पे परफॉर्म कर रहा होता है, और हमने उसकी वीडियो बना के, हमने नहीं मतलब जितने भी अर्गोनॉमिस्ट या स्पेशल लेवल पे ये होते हैं तो उनके ऊपर कैमराज लगाए जाते हैं, उसके ऊपर बाकायदा एक, जिस तरह फिल्म की शूटिंग होती है उस तरह बाकायदा उसके ऊपर, पैरों के ऊपर फोकस किया जाता है कि किस स्टेज में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वीडियो एंड फिल्म का मकसद ये है। अब जैसे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे दो कैमराज जो है उसको शूट कर रहे हैं, और कैमराज के डिफरेंट कनेक्टेड हैं और वो मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, तो रिफ्लेक्टिव जॉइंट मार्कर दैट कैन बी ट्रेस्ड बाय अ कैमरा फॉर द ऑटोमेटिक डिजिटलाइजिंग ऑफ द मूवमेंट। वो जितनी भी मूवमेंट्स करता है वो उसको बिल्कुल रिकॉर्ड करके, और उसके उसके अंदर एक नॉर्मल जो है वो मेयरमेंट डाली जाती है कि आपने इससे इसको मेयर करना। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जितनी भी मशीनरी है ना उसमें एक कंपैरिजन के तौर पे एक रेफरेंस पॉइंट डाली जाती है ना, कि वो आपका जीरो काउंट होता है उससे ही कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अदर मूवमेंट्स मॉनिटरिंग सिस्टम में एक्सेलेरोमीटर है, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन आपका ये आ गया, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एन एक्सेलेरोमीटर इज बेसिकली ए ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर जो कि एनर्जी को कन्वर्ट करता है, जो कि यूज्ड होता है फॉर द डायरेक्ट मेयरमेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। नाम ही बताता है, जिस तरह स्पीडोमीटर होता है स्पीड के लिए, एक्सेलेरोमीटर है, पिक्चर भी उसके साथ जो है वो देखते हैं। द एक्सेलेरोमीटर इज अटैच्ड एज रिजिडली एज द पॉसिबल टू द बॉडी सेगमेंट आर अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट विद इलेक्ट्रिकल आउटपुट चैनल टू अ रिकॉर्डिंग डिवाइस। थ्री डायमेंशनल एक्सेलेरोमीटर जो कि दैट इनकॉर्पोरेटेड मल्टीलीनियर एक्सेलेरोमीटर आर द कमर्शियली अवेलेबल फॉर मॉनिटरिंग द एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द नॉन लीनियर मूवमेंट। बॉडी की जो
मोमेंट्स होते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा कि अब मिसाल के तौर पे दो कैमरा ने इसके ऊपर फोकस किया हुआ और इनके ऊपर जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं ना, और फिर उस बॉडी पार्ट को मूव कराया जाता है मूवमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर मिसाल के तौर पे जो एथलीट्स वगैरह रनर्स हैं उनकी जो एंड्योरेंस वगैरह मेजर होती है वो इस तरह से होती है ना, अगर हमें किसी की स्पीड मेजर करनी है मिसाल के तौर पर, तो एक आप डेफिनेटली हम उसको गार्डन या जो भी उसका रेस का जो ट्रैक है उस पर तो नहीं उसकी कराएंगे, तो हम उसकी स्पीड बेसिकली स्टेमिना चेक करने के लिए हम ये इलेक्ट्रोड लगा के उसको एक स्टेशनरी बाइक साइकिल पे जो रनिंग कराते हैं हम, नहीं मतलब जो अर्गोनॉमी या जो स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजियोज हैं या जो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल हैं वो उसको मेजर कराते हैं, और उससे हम तो एक्सेलेरोमीटर इज़ बेसिकली टू मेजर द एक्सेलरेशन सिंपली, और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें जो है उसकी स्पीड पता चल सकती है कि ये इतनी वो तुक्के पे नहीं बताई जाती, वो उसकी बाकायदा शूट की जाती है। तो इंसानों के लिए है, तो वो गाड़ियों के लिए भी, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट द बायोमैकेनिक्स चैप्टर 2। और कल मेरा वर्कशॉप है, टाइमिंग 3 से जो है 5 है। मैं थोड़ा सा वर्कशॉप के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसमें मैं मॉलिगन कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी सी बात करने वाला हूँ कि मॉलिगन का कॉन्सेप्ट क्या है। मॉलिगन के ऊपर तो मेरा ऑलरेडी एक सेशन है जो कि अपलोडेड है, लेकिन इसकी खासियत वर्कशॉप की ये है कि मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन के हालात में जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप है वो तो पॉसिबल नहीं है, और तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मतलब पॉसिबल मतलब ग्रुप फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एक मॉडल के ऊपर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो हमारे साथ भी एक डॉक्टर और भी होंगे परफॉर्म करने के लिए, तो मैं उसके ऊपर आप लोगों को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। मैं आपको हैंड प्लेसमेंट बताऊंगा कि आपके हाथ कहाँ पे होने चाहिए, और आपके जो हाथों की प्लेसमेंट, आप फोर्स किस तरह लगाते हो, आपकी बॉडी की बायोमैकेनिक्स क्या होनी चाहिए, उसकी इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किन हालात में मॉलिगन की टेक्निक्स एप्लीकेबल हैं, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इस लेवल पे आपके लिए है, क्लिनिकल अप्रोच टूवर्ड LBP। लो बैक पेन के जितने भी पेशेंट्स जो है अगर आपके पास आते हैं तो आपको उसको कैसे जो है वो आपने उसकी तरफ अप्रोच करते हो, ठीक है। अब मैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ आ रहा हूँ जो कि पहले पेज पे हमने देखी थी। फिर हम देखते हैं कि आर वी एलिजिबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस आर नॉट, या हमने कोई टॉपिक स्किप तो नहीं कर दिया। तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप चैप्टर जब कंप्लीट करो तो वापसी उस फर्स्ट पेज की तरफ आ जाओ, ठीक है। तो मैं बस आपके 5 मिनट लूँगा, और हम फर्स्ट पेज की तरफ आ रहे हैं और देखते हैं कि हमने इधर वी कंप्लीटेड कवर्ड ऑल द टॉपिक्स और नॉट। अब आफ्टर द कंप्लीटिंग यू विल बी एबल प्रोवाइड द एग्जांपल्स ऑफ द लीनियर एंगुलर एंड जनरल मोशन। अब मैंने बताया था कि प्योर लीनियर और एंगुलर तो नहीं होती, लेकिन आप अगर एग्जांपल दें मिसाल के तौर पे जब आप फिक्स वेलोसिटी के साथ जब आप मूव करते हो, या कोई भी एथलीट वगैरह फिक्स कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव करता है और उसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वो लीनियर का कौन सा पार्ट टाइप होगा, रेक्टिलीनियर। और अगर वो कर्व फॉर्म में जिस तरह ये डिफरेंट जो एथलीट्स वगैरह जो मैराथन वगैरह में भागते हैं वो एक ही स्पीड के साथ मिसाल तौर अगर भाग रहे हैं और आप देख रहे हो वो टर्न भी ले रहे होते हैं साथ साथ, तो वो कर्वी नहीं ले रहे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल एंगुलर मोशन की अगर हम बात करें, तो नॉन लिविंग की अगर आप बात करो तो ऑर्बिटल, और इसका मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। आप एंगल पे आ जाओ तो एल्बो जॉइंट पे मिसाल के तौर पे जहाँ पे भी रोटेशन हो रही है वो एंगुलर मूवमेंट परफॉर्म हो रही है ना, स्पाइन के ऊपर रोटेशन है, प्रोनेशन है, सुपिनेशन है, ये सारी, ठीक है। दूसरा है जनरल मोशन, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन मूवमेंट दे आर द जनरल इन नेचर, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द लीनियर एंड एंगुलर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन मैं आपको बता चुका हूँ, एनेटमिकल रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। डिस्क्राइब प्लेन्स के बारे में बता चुका हूँ, दे आर द 3 प्लेन्स। एनेटमिकल रेफरेंस पोजीशन से मुराद जॉइंट की क्लोज पैक पोजीशन, ओपन पैक पोजीशन, नॉर्मल उसकी एनेटमिकल पोजीशन। प्लेन की बात करो, दे आर 3 प्लेन्स, सजाइटल, कोरोनल एंड ट्रांसवर्स प्लेन। एंड एक्सिस सजाइटल का फ्रंटल एक्सिस है, फ्रंटल प्लेन का सजाइटल एक्सिस है, ट्रांसवर्स का वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। एंड एसोसिएटेड विद द ह्यूमन बॉडी, बॉडी ह्यूमन में मूवमेंट्स की बात हो रही है कि हमने मूवमेंट्स कौन सी है, तो सजाइटल प्लेन की फ्लेक्शन एक्सटेंशन, प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सी फ्लेक्शन, क्लियर है। फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट की बात करो, अबडक्शन, एडक्शन, रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन, ठीक है। ट्रंक की फ्लेक्शन, सॉरी ट्रंक की लेटरल फ्लेक्शन फ्रंटल प्लेन की, स्केपुलर एलिवेशन एंड डिप्रेशन फ्रंटल प्लेन। फाइनली इज द ट्रांसवर्स प्लेन, जितनी भी रोटेशन है आपकी, चाहे वो टिबिया पे रोटेशन हो, प्रोनेशन हो, सुपिनेशन हो, इंटरनल रोटेशन हो, एक्सटर्नल रोटेशन हो, स्पाइन की रोटेशन हो, दीज आर द प्लेन मूवमेंट, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, सॉरी एक सेकंड, मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ। डिफाइन एंड अप्रोप्रिएटली यूज द डायरेक्शनल टर्म। डायरेक्शनल टर्म बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल बेसिक है, ये जो सुपीरियर इन्फीरियर,
मीडियल लेटरल ये जितने भी हैं, ठीक है, ये डायरेक्शनल टर्म्स है हमारे पास। एंड अप्रोप्रिएटली यूज द डायरेक्शनल टर्म एंड द जॉइंट मूवमेंट टर्मिनोलॉजी। जॉइंट मूवमेंट टर्मिनोलॉजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जितने भी जो मूवमेंट्स हो रही थी। एक्सप्लेन हाउ टू प्लान एंड कंडक्ट एन इफेक्टिव कॉन्टिनेंट, ये अगेन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके जो चार्ट में हमने पढ़ा था वो हम यहाँ पे बिल्कुल बता सकते हैं कि हमने जो चार्ट में देखा था कि हमने वीडियो देखनी है, हमने उसकी एंगल देखनी है, हमने उसका डिस्टेंस देखना है, हमने उसकी वीडियोग्राफी करनी है, शूट करना है, पिक्चर्स लेनी है, डिफरेंट एंगल से देखना है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ द अवेलेबल इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर मेजरिंग द काइनेमेटिक क्वांटिटीज। वही बात है, वीडियो कैमरास, वीडियोस कैमरास, स्टेशनरी बाईसाइकिल, एक्सेलरोमीटर एंड डिफरेंट टूल्स। जॉइंट रेंज की बात करो तो आपके पास गोनियोमीटर है, मेजरिंग टेप्स है, इस तरह करके, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर 2, द काइनेमेटिक कॉन्सेप्ट फॉर एनालाइजिंग द ह्यूमन मूवमेंट्स। अगेन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको जो है वो आंसर करने के लिए 2 मिनट इधर लाइव हूँ। और मैं आपको वर्कशॉप के बारे में जो बता रहा था कि वर्कशॉप कल है मेरा, तीन से चार या साढ़े चार। अगर उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए 5 मिनट हूँ, इससे रिलेवेंट हो, इससे अलावा हो। और 2 अनाउंसमेंट जो मैंने करनी थी वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि चैप्टर 3 और 4 हम इंशाल्लाह ईद से पहले कर लेंगे। ईद के बाद 5-6 हमारे पास चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके बाद हम ईद के बाद जो है चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एनाटमी की सीरीज़ आ रही है जिसमें हमारे पास डॉक्टर निदा हैं एज ए ट्यूटर, और एक और ट्यूटर भी हमारे साथ आ रही हैं मैसून, उनसे जो है वो जैसे ही वो कॉन्टैक्ट करेंगी, टॉपिक अपना देंगी तो मैं पोस्ट दे दूँगा, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग सेंटर ऑफ मेलन थेरेपी। और अगर आपकी भी कोई डिमांड है जो कि आप स्पेशल टॉपिक को रिवाइज कराना चाहते हो, अगर कोई न्यू टॉपिक है जिसके ऊपर आप लेक्चर दिलवाना चाहते हो, तो यू डोंट नीड टू हेजिटेट, यू डायरेक्टली कैन कमेंट, डायरेक्टली कैन कॉन्टैक्ट। ग्रुप हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। और दूसरा ये कि CM जितने भी आपके बैच फेलोज़ हैं और उनको आप ग्रुप में ऐड कर दें, और जितने भी सेकेंड ईयर्स के जहाँ पे भी आ रहे हैं, मैं लाजमी नहीं है कि कराची या लाहौर या जितने भी, जो भी जहाँ से आ रहा है वो आप उनको ऐड कर सकते हो, और अगर वो उनकी डिमांड के ऊपर, ठीक है। तो आई एम हेयर फॉर टू आंसर यू, आई एम हेयर फॉर लाइव फॉर द वॉट इज़ द टाइम एग्जैक्टली इज इट, चले मैं 3 मिनट और रुक जाता हूँ। तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन रिलेवेंट टू द बायोमैकेनिक्स, इधर रिलेवेंट फ्राम द प्रीवियस सेशन। और सेकेंडली जितने भी हमारे पास व्यूअर्स इस वक्त अवेलेबल हैं, काइंडली वो चैप्टर 2 के बारे में जो है वो कमेंट दे दें कि उनका कोई मतलब कोई टॉपिक रह नहीं गया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया, तो जस्ट शो द साइन ऑफ द थम्स अप, ठीक है। कौन सा ग्रुप फरजीन जन्नत, अच्छा जी बेटा अरीबा इकबाल यहाँ पे मौजूद हैं, आप काइंडली उनसे अरीबा इकबाल फिजोथर ग्रुप में भी जो है वो उनका फेसबुक ग्रुप है, बहरहाल आप काइंडली जो CMT सेंटर ऑफ मेलन थेरेपी का ग्रुप है वहाँ पे आप कमेंट कर दे, और वो आपको अरीबा इकबाल आपसे कांटेक्ट कर लेंगी, और फिर आप उनको व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा, वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगी, ठीक है। वैसे ही हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप है, हमने हर ईयर के हिसाब से जो है ग्रुप बनाए हुए हैं, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फाइनल ईयर का, इस तरह करके। तो जो जो जिस ग्रुप का जिस ईयर का आ रहा है हम उसको उसमें जो है वो ऐड करते जा रहे हैं ताकि ईजी अनाउंसमेंट हो जाए ना। फेसबुक पे तो हमारी पोस्टिंग होती रहती है, फेसबुक पे भी माशाल्लाह से महिंदर है, सैयद किशन है, अरीबा हैं, ये काफ़ी एक्टिव हैं और ये उसको शेयरिंग करते रहते हैं। ताकि शेयरिंग का मेन मकसद क्या होता है, मेन मकसद ये होगा कि ज़्यादातर लोग जो है उसे फ़ायदा हासिल कर सकें, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो है देखें ना, नॉलेज मनी ही बेसिकली शेयर करने के लिए, एक नॉलेज रख के हम क्या करना है, हमने क्या करना है। और बस यही 2-3 अनाउंसमेंट्स थी। और दूसरा ये है कि रिसेंटली जिसमें मैंने डिप्लोमा किया हुआ ड्राई नीडलिंग के ऊपर, मैं इंशाल्लाह कोशिश करके ड्राई नीडलिंग के ऊपर भी एक सेशन रखवाऊंगा, ताकि क्योंकि ये लॉकडाउन के हालात में पॉसिबल नहीं है कि हम जो है वो एक वर्कशॉप करा सकें, लेकिन जूम ऐप पे या जो वेबिनार टाइप वगैरह हैं वो वर्कशॉप बिल्कुल पॉसिबल हैं, ठीक है। तो सी यू टुमारो ऑन द वर्कशॉप, और जिसकी टाइमिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता है 3 से 5 है, उसकी रजिस्ट्रेशन का भी आपको सारा तरीका जो है वो बिल्कुल पता है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, इसके बाद मुझे इजाज़त दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग सेंटर ऑफ मेलन थेरेपी। सेंटर ऑफ मेलन थेरेपी बेसिकली ये जो सीरीज़ है अकेडमी, CMT अकेडमी बेसिकली, जिसका ये आज सेकंड सेशन है, ये बेस प्योरली फॉर द फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स है। इसमें हम कोई क्लिनिकल अप्रोच वगैरह नहीं करा रहे, क्लिनिकल अप्रोच के लिए हम डिफरेंट सीरीज़ रखवाएंगे। और जैसे ही बायोमैकेनिक्स कंप्लीट करते हैं तो हम
जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है आप डायरेक्टली हेजिटेट करने की कोई बात नहीं है. इफ़ यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन द CMT दैट्स गुड. इफ़ नॉट देन डायरेक्टली कैन कॉन्टैक्ट विद द डॉक्टर निदा अकबर, शी इज़ CMT वाइस प्रेजिडेंट. आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो आपको अप्रोच करेंगी. आप डायरेक्टली उनको अप्रोच करें तो वो आपको रेस्पॉन्ड करेंगी और फिर वो हमें मैसेज दे देंगी, तो हम जो है वो ट्यूटर उस हिसाब से. कोई भी टॉपिक हो आपको लगे कि ये अभी सीरीज से रिलेवेंट नहीं है और मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली जो है वो शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड मुझे इजाज़त दीजिएगा. कीप वॉचिंग सेंटर ऑफ मेलन थेरेपी, एंड प्लीज़ इस सेशन को भी जो है आप शेयर ज़रूर करें. और सी यू टुमारो ऑन द वर्कशॉप. एंड सेकेंडली, जो थर्ड चैप्टर 3 है बायोमेकेनिक्स का, वो इसी हफ्ते होगा. ठीक है, आई रिपीट, इसी हफ्ते ही हम चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ईद से पहले कंप्लीट करेंगे. ईद प्रोबेबली मंडे को होगी, तो हम ईद से पहले दोनों चैप्टर जो है वो आपका क्लियर करवा देंगे, और फिर हम ईद के बाद जो है चैप्टर 7 के ऊपर आ जाएंगे. ठीक है, तो थैंक यू सो मच, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर. एग्जाम्स हैं, कोई बात नहीं, तो अब ये चीज़ें ग्रुप में भी डिस्कस हो सकती हैं. कशन कह रहा है कि हमारे एग्जाम्स हैं, तो बेटा ये चीज़ें ग्रुप में भी हम डिस्कस करते रहेंगे. मैं कोई भी ऐसा टाइम वगैरह नहीं रखूँगा. देखें, ये टाइम भी हम लोगों ने आपके लिए ही चूज़ किया हुआ था कि 3 से 5, वरना मुझे जो प्रॉबेबली सूट करता है वो 1 बजे, क्योंकि इसके बाद मेरा खुद का एक वेबिनार जो है वो मैं उसमें बिज़ी होता हूँ. लेकिन हम इसका डिसाइड कर लेंगे कशन, जो भी आपकी टाइम की डिफ़िकल्टी है वो आप ग्रुप में. लेकिन ये है कि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट को अगर दिक्कत है तो हम टाइम जो है वो चेंज कर सकते हैं. ऐसी कोई जो है वो कह लें कि फोर्सफुली वाली बात नहीं है, हम टाइमिंग चेंज करते रहेंगे. हम CMT बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों की सपोर्ट है तो CMT जो है वो आपके लिए ही काम करेंगे. ठीक है, ओके, टेक केयर.